नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे JKPSC जो है प्रीलिम्स, नेक्स्ट मंथ है 26 जून को UPSC का प्रीलिम्स है ये, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करिए। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड बिटकॉइन एज इट्स ऑफिशियल करेंसी? ठीक है, अब आपको पता है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको बैन कर रखा है, और बहुत सारी कंट्रीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट भी कर रही हैं। तो कौन सी कंट्री ने इसको ऑफिशियल करेंसी बनाया है रिसेंटली? और इसको बनाया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने। ठीक है, अब ये जो CAR है, ये CAR क्या है? CAR एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है ये, और ये कहाँ है? अगर आपको पता है कि चाड जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, चाड के बिल्कुल साउथ में देखिएगा, वहाँ पे ये है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बैंगुई। ठीक है, बैंगुई इसकी कैपिटल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। CAR इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड कंट्री है ये वर्ल्ड की, फर्स्ट अफ्रीका की है और सेकेंड वर्ल्ड की है, जिसने अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर। ठीक है, आफ्टर एल सल्वाडोर हु अडॉप्टेड इन 2021। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर होता है कि जब भी जो भी करेंसी बैक्ड बाय लॉ होती है। ठीक है, बैक्ड बाय लॉ होती है ये, और इसको एक्सेप्ट किया जाता है कंट्री में फॉर सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली द कंस्ट्रक्शन ऑफ 540 मेगावाट हाइड्रो मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड, इन विच स्टेट इट वुड बी कंस्ट्रक्टेड? अब क्वार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है हमारे अपने जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ऑन द रिवर चेनाब इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ये चेनाब के ऊपर लग रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये याद रखना कि ये 540 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड अथवास प्रोजेक्ट, इट इज रिलेटेड टू। अब देखो, ये JKPSC के लिए स्पेशली फोकस्ड एक करंट सीरीज चल रही है, इसमें हमने बाकी सारे क्वेश्चंस तो है ही हैं जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें हमने कुछ जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस भी डाले हैं, कीपिंग इन माइंड द कमिंग JKPSC प्रीलिम्स। तो अब ये अथवास प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर ने, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फ्रेंड्स रिजुविनेशन ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। ठीक है, इसकी डीवीडिंग की जा रही है, और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है सो दैट कि इसकी कंजर्वेशन और डेवलपमेंट की जाए डल एंड नागिन लेक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच विलेज हैज़ बिकम द नेशंस फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? फ्रेंड्स, एक कमेंट करके इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताना कि कौन सी पंचायत बन गई है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, जो फुली पावर्ड होगी किससे? सोलर एनर्जी से। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिसेंटली JNK में विजिट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने कहा, वह कहाँ आए थे? वो आए थे पल्ली विलेज में, और यही जो पंचायत है ये बनी है कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, पल्ली विलेज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू हैज़ बिकम इन इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, 500 किलोवाट का यहाँ पे सोलर पावर प्लांट कंप्लीट हो चुका, लग गया है। ठीक है, तो प्लीज़ ये याद रखना कि पल्ली विलेज जो है वो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन कर्मयोगी इज करेक्ट? अब देखो, ये जो मिशन कर्मयोगी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मेन्स में भी इस बार जो रिसेंटली मेन्स हुए हैं KAS के, उसमें भी पूछा गया था मिशन कर्मयोगी पे क्वेश्चन, एंड ऐसे भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, और देखते हैं कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड सिविल सर्विस कैपेसिटी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $47 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। इट वॉज लॉन्च ऑन September 2020 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, अगर हमें मिशन कर्मयोगी को हल्का सा भी हमें पता है ना, तो हमें ये पता है कि ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। अब अगर ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है। ठीक है, अब अगर ये पता है या नहीं पता है, एक बार थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, और उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट वॉज लॉन्च
ऑन सितंबर 2020 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब हमें ये बिल्कुल पता है कि ये नरेंद्र मोदी ने ही लॉन्च की थी स्टेट मिशन कर्मयोगी। तो अब देखो, अगर ए और सी करेक्ट है और इसके बारे में हमें पता है या नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी एक स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव है। तो अगर दो हैं तो एक तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये हमारा इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रिसेंटली INS वागशीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, INS वागशीर वॉज इन न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज आर करेक्ट? इट इज द फिफ्थ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 75। इट इज लॉन्च बाय मिसेज वीना अजय कुमार एट मेजागांव डॉक मुंबई लिमिटेड मुंबई। अब फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को करने की। देखो, ट्रिक्स हमेशा अप्लाई हो जाएं ऐसा नहीं होता है, बट 90% ये अब मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो भी यही स्कीम्स अप्लाई करते हैं, यही ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। तो अब देखो कि एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको, इस स्टेटमेंट को फर्स्ट को देखें, तो इस स्टेटमेंट को चेंज करना उसके लिए कितना ईजी है। अगर वो फिफ्थ की जगह फोर्थ कर दे, या अगर सिक्स्थ है तो सिक्स्थ की जगह फिफ्थ कर दे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जिसमें इस तरह का फैक्चुअल डाटा होता है जिस स्टेटमेंट में, मैं नहीं कहता कि हमेशा, बट 90% केसेस में हमने देखा है कि ऐसी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है स्टेटमेंट को गलत लिखना। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 75 है, उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट सबमरीन्स बन रही हैं और ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि ये फिफ्थ नहीं, ये सिक्स्थ सबमरीन है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय मिसेज वीना अजय कुमार एट मेजागांव डॉक लिमिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम सपोज इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसके साथ साथ हमारी ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बचेंगे, ये या ये। अब देखो, अगर तो आपके क्वेश्चंस 70 के आसपास आप आंसर, मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और वो बिल्कुल सही हैं, तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 30, 40 तक, 50 तक भी स्कोर बन रहा है, फिर आपको जहाँ 50-50 है वहाँ पे आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और मोस्टली ठीक होते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपका आंसर ठीक होने की। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम। INS वागशीर इज द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्कॉर्पिन क्लास मेम्बरीन, ये सिक्स्थ है, फिफ्थ नहीं है। कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 75। ठीक है, अभी तक फोर स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बन चुकी हैं, ठीक है, जो इंडियन नेवी को दी गई हैं। फर्स्ट इज INS कालवारी, INS खांदेरी, INS करंज एंड INS वेला। ठीक है, फिफ्थ हमारी जो है सबमरीन वो है INS वागीर, ये जो है ये अंडर सी ट्रायल है अभी। ठीक है, ये इस ईयर के एंड तक कमीशन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी थी? कालवारी, खांदेरी, करंज, वेला। ठीक है, और सिक्स्थ हमारी वागशीर हमने देखी, और फिफ्थ जो थी वो वागीर, ये अभी अंडर सी ट्रायल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं खंजर 2022 जॉइंट फोर्स एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। बहुत बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आते हैं जो रिसेंटली हेल्ड हुई हो, तो इसी तरह की एक्सरसाइज है ये खंजर 2022। ये वो कह रहा है कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में है। तो फ्रेंड्स, ये जो है खंजर 2022, ये इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुई है अभी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डी नहीं फ्रेंड्स, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप चेक भी कर लेना, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। हेल्ड एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश, ये वहाँ पे है जहाँ पे इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है खंजर 2022, ये प्लीज याद रखना। हाँ, अब थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं सेंट्रल एशियन रीजन का, क्योंकि हर एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक रीजन का मैप लेके आएं और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ से क्वेश्चंस इससे पहले भी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उनको हम आपके साथ कवर कर दें। अब देखो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये थी किर्गिस्तान। ठीक है, ये किर्गिस्तान है, इसके और इंडिया के बीच में यहाँ हिमाचल में मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ से इस रीजन से ना दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। वो ये पूछ लेते हैं कि अराल सी जो है, ये है अराल सी, तो फ्रेंड्स अराल सी जो है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो वो है, याद रखना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अराल सी।
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि कैस्पियन सी जो है, ये जो आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, ये कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। वो आपके ऑप्शन दे देंगे जिसमें कुछ वो बोल देंगे कि इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर नहीं करती। अब एक बार हम ऐसे देख लेते हैं और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद रखने का। अब देखो कैस्पियन, ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के साथ यहाँ पे कजाकिस्तान है, ये रशिया है, ठीक है, ये अजरबैजान है, ठीक है, इसकी कैपिटल बाकू है, ये ईरान है, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। अब अगर हम इस चीज को ऐसे याद रखें कि तारिक जो हमारा फ्रेंड है, किसी मतलब तारिक जो फ्रेंड है, ये जो है ये कहाँ है, ये कैस्पियन सी में है, ठीक है। अब टी से क्या है, टी से है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ए से है अजरबैजान, आर से है रशिया, आई से है ईरान, और के से क्या है, कजाकिस्तान, ठीक है, ये कजाकिस्तान। तो अगर आपको थोड़ी सी और कंफ्यूजन है तो तारिका भी कर सकते हो आप, ठीक है, तारिका, क्योंकि कजाकिस्तान आपको याद रहे, किर्गिस्तान नहीं, ठीक है, तारिका। तो तारिक कंट्रीज जो याद रखना, ये बॉर्डर करती हैं तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ये बॉर्डर करती हैं किसको, कैस्पियन सी को। ये क्वेश्चन हमारे से पूछते हैं वो। और अराल सी भी मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड इज आर करेक्ट। अब जो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो कहता है कि एमिनेंट आसमिस पोएट नीलामणि फूकन वॉज कन्फर्ड द अवार्ड। फूकन इज द फर्स्ट आसमिस टू विन द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, कि नीलामणि फूकन को ही पहले ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और ये फर्स्ट नहीं, थर्ड है असम से जिनको ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है अभी रिसेंटली, ठीक है। नीलामणि फूकन इज द थर्ड असमी आफ्टर बीरेंद्र भट्टाचार्य एंड मामोनी राय सोम गोस्वामी टू विन द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स से भी इनको शेयर करो, और जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम आपके लिए और वीडियोस इस तरह की लाते रहेंगे जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को, नेक्स्ट आपके जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनको करंट अफेयर्स को सॉल्व करने के लिए। टिल देन बाय बाय।